अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज है जुमातुल विदा और कैसा गुजरा आप लोग का रमज़ान? जो रोज़े रह गए हैं होपफुली इंशाल्लाह वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लाने वाले हैं। और आज हमने प्लान किया कि सिंस इट्स जुमातुल विदा तो हमने प्लान किया कि फैसल मस्जिद जाकर विच इज़ द नेशनल मॉस्क ऑफ पाकिस्तान, तो हमने सोचा कि वहाँ जाके बच्चों के साथ जुमा पढ़ा जाए। और अभी मिरहा हमारे साथ नहीं है, मिनहाल का स्कूल नहीं था, लेकिन मिरहा का स्कूल था, उसकी एक बड़ी क्यूट सी एक्टिविटी थी, इट वाज अ क्रेजी हेयर डे, तो वो बड़ी एक्साइटेड थी आज जाने के लिए। तो मिरहा इज़ एट स्कूल राइट नाउ, तो अभी हम ऑन वे टू हर स्कूल हैं, हम उसे वहाँ से पिक करेंगे और फिर साथ में नमाज के लिए जाएंगे। राइट बूबू? यस। से अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी, जुमातुल विदा मुबारक। यस सर, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मतुल विदा मुबारक। हाँ जी, तो आई विल सी यू गाइस ऑन द अदर साइड नाउ। मेरा गला बड़ा बैठा हुआ, आई एम सॉरी, आई विल सी यू गाइस ऑन द अदर साइड। ये देखिए जी, मेरा क्या ऑफ हो चुका है और ये मेरा आ गई है। हेलो मेरा, ये क्या मिला? वाओ, रमजान करीम। अभी मिरहा जो है वो चेंज करने वाली है नमाज के लिए, सो लेट्स जस्ट डू द मैजिक। टाडा, ओह माय गॉड, मिरहा यू लुक सो क्यूट, माशाल्लाह। क्या पहना है, क्या पहना है, क्या पहना है? नाउ शी इज वेयरिंग ऑन अ शलवार कमीज, लुक चेंज हो गया। Looks so nice, माशाल्लाह। मेरा क्या करेगी जाके वहाँ पे? नमाज पढ़ूंगी। Good job. आज वैसे रश काफी ज्यादा है, बहुत लोग जा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा। लास्ट में हमने एक जुमा वहाँ पे पढ़ा था, जुमा तो पता ही था वो, और वो इतना ज्यादा रश था कि अंदर जगह नहीं मिली थी और हम बाहर पढ़ रहे थे नमाज। हाँ। बस आज अभी तकरीबन 12:30 हो चुके हैं, इतनी गर्मी थी और फ्लोर मस्जिद का इस कदर गर्म होता, और मतलब इतनी टू मच गर्मी कि शायद नहीं होगी, बाकी दिनों में नहीं पड़ी होगी। और आई स्टिल रिमेम्बर के घर पहुंच के सुहेल, आई वॉज क्राइंग, कभी जिंदगी में कोई ऐसा रोजा नहीं रहा कि मुझे लग रहा हो कि ये मैं कैसे पूरा करूं, लेकिन मैं बस रो रही थी। और मैं जाके ऐसे ही लाइक आई वाज ऑन माय ड्रेस और मैं जाके नीचे शावर के नीचे खड़ी हो गई। तो अभी तो माशाल्लाह ये वाले रोजे जो है वो बड़े अच्छे मौसम में गुजरे। ये रोड कितनी प्यारी सी लग रही है, माशाल्लाह स्प्रिंग है और पता चल रहा है। ये जो आई, हियर कम्स द मॉस्क, ये आ गया बोर्ड फैसल मस्जिद, एंड हियर वी ऑलमोस्ट अराइव्ड। ट्रैफिक का थोड़ा क्रेजी सीन है, मस्जिद की एंट्रेंस उस साइड पर है, अब हम पार्किंग ढूंढेंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी ना, पहाड़ सब तरफ और बिल्कुल ये मार्गलास के गोद में बनाया है ऑनेस्टली। और ये किंग फैसल के एरा में बना था ना, और ये सऊदी किंग फैसल के नाम पर है ये मॉस्क, और फॉर श्योर बेसिकली ये उनके फंड पे भी बनाई गई है, बेसिकली इट वाज अ गिफ्ट फॉर पाकिस्तान फ्रॉम हिम। ये मेरी प्यारी सी फैमिली आगे आगे भागते हुए माशाल्लाह, मेरा ये देखे जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखे मेरी आमना का लुक कैसा है। चलो जी, अब यहाँ सारे जूते उतारेंगे अपने। ब्यूटीफुल माशाल्लाह, बच्चे देखें आंगन में। माशाल्लाह, मैं पूरा मस्जिद का टूर दूंगी। अब बस हमें अभी अंदर चलना, टाइम है ऑल्दो हमारे पास 1:15 का है सिर्फ। ठीक है।
ठीक है ठीक है। अभी मैं और मिनहाल जा रहे हैं, फ्रंट वाली साइड से एंटर होंगे और अभी आमना और मेरा अलग हो चुके हैं और मैं और मिनहाल जा रहे हैं। माशाल्लाह अंदर तो काफ़ी ज़्यादा रश है, हम लोग तकरीबन 12:15 हुए हैं लेकिन फिर भी रश काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ से पीछे जाना है हमें जहाँ पे जगह मिल जाए। सारा मीडिया भी आया गाइज, ये एक बालकनी है जहाँ पे ख़वातीन नमाज पढ़ती हैं ये, और यहाँ से ये मेन मस्जिद का अहाता है। इस जगह से मर्द नमाज पढ़ते हैं। दिस फानूस इज़ सो ब्यूटीफुल। कुछ देर पहले तक यहाँ था लेकिन बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ये टेंट्स के पीछे जो है वो एतकाफ़ वाले हजरात हैं। इतना प्यारा सहन। हे मिनहार, ये नमाज पढ़ने के बाद काब उतार के मेरा हक गाइस सीरियसली इतना अच्छा लगा आज माशाल्लाह। और माशाल्लाह पूरी मस्जिद जो है वो भरी हुई थी। और रूटीन में भी यहाँ पे यही सिलसिला होता है, जो रूटीन में जो भी जुमा वगैरह आते हैं। और माशाल्लाह इट वाज रियली अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और हमने अपने लिए तो की ही, लेकिन आप सबके लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं की, अपने सब फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की। और बहुत अच्छा खुतबा था, बहुत प्यारी जो है वो दुआ करवाई गई यहाँ पे। और उस खुतबे में जो है मैं देख रही थी कि जो भी आजकल मुल्क के हालात हैं, चीज़ें हैं, और जो एक ह्यूमैनिटी का दर्स देना चाहिए, उन्होंने वो ह्यूमैनिटी का दर्स दिया। और बेशक के इंसान के कहते हैं कि हिदायत के लिए जो है वो एक लम्हा ही काफ़ी होता है। तो होपफुली हम सबको अल्लाह पाक जो है वो हिदायत दे और हम सबको अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक दे। और ऐसे ही आने वाले सारे रमज़ान हम सबके बहुत अच्छे बहुत ब्लेस्ड गुजरे हैं। तो बाकी रेस्ट ऑफ द डे का हमारा बड़ा अच्छा सा प्लान है। तो कुछ अभी बच्चों की चीज़ें लेनी है, यू नो, ईद शॉपिंग में से कुछ छोटी मोटी चीज़ें बाकी रह गई हैं। और उसके अलावा जो है फिर आज हम सोच रहे हैं कि किसी मज़े की जगह इफ्तार करने का। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, अभी बहुत कुछ आगे है। लेटर दैट सेम इवनिंग। सो गाइस अब हम जा रहे हैं यमी सी इफ्तार करने के लिए। फाइनली पूरा रमज़ान निकालने के बाद हम एक आउटडोर इफ्तार करने जा रहे हैं। वैसे नहीं, हमें बहुत ज़्यादा लाइक दावतें रहीं। और एक दो दोस्तों ऐसे हैं कि जो ऑल्दो मुझे इतना अच्छा लगा कि दे आर नॉट इन द कंट्री राइट नाउ, और उन्होंने एक दिन की इफ्तार आई, फिर एक और दिन उनकी तरफ से इफ्तार आई। और लाइक ओवरऑल रमज़ान वॉज गुड माशाल्लाह। बस बिज़ी बहुत ज़्यादा रहा लेकिन अच्छा रहा। तो अब हमें जो है ना सोली, हम बस फैमिली ऑफ फोर हम जा रहे हैं इफ्तार करने के लिए। और कहाँ जा रहे हैं मिनहान? ला मोंटाना। डैडी कहाँ जा रहे हैं? ला मोंटाना जा रहे हैं। व्हाई डिड वी पिक ला मोंटाना बाय द वे? हम लोग ने काफ़ी जगहों की देखी लेकिन वो इतनी मज़े की नहीं थी। तो यहाँ पर इनके पास जो डिशेज हैं वो अच्छी हैं और मटन में और बीफ में काफ़ी ज़्यादा हैं। बेसिकली मज़े की का मतलब ये है ना, इस वजह से हम लोगों ने चूज़ ये किया, क्योंकि आपने चिकन नहीं खाती तो हम लोगों ने देखना होता है कि बीफ किस में है और मटन किस में, फिर वो चूज़ करते हैं। He's so sweet. He always take care of my choice. Good इनके husband. भी दो थे, मेन्यू 1 और 2 था, तो 2 में ज़्यादा थी डिशेज तो इसलिए फिर हमने 2 सेलेक्ट किया। इनफैक्ट 2 वालों को वो बाहर आउटडोर भी अकोमोडेट कर रहे हैं और 1 वालों को उन्होंने इनडोर केज करके रखा हुआ है।
सो टू के साथ लोकेशन भी है, टू के साथ फूड भी है, टू के साथ टेस्ट भी है और प्राइस भी है, एम्बियांस मिल रहे हैं ब्रो, प्राइस के साथ मिलते हैं। तो बस ऊपर चलते हैं, मेन्यू दिखाती हूँ, मज़े की इफ्तार करते हैं और वेदर बड़ा प्लेजेंट हो रहा है और मेरा मूड बहुत प्लेजेंट हो रहा है एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी। लगी है हॉर्न तो चाहिए क्या मेरा? कौन नहीं जाने दे रहा? हाँ जी, हम पहुंच गए हैं ला मोंटाना। मिरहा को ट्रैफिक पे आ रहा था गुस्सा, है ना मिरहा? Here we come at La Montana. Hello guys. मिनहाल तो जनाब जा चुके, बड़ा मजे का एम्बियंस। Oh wow, such beautiful weather today. शाम होने तक थोड़ी ठंडक हो जाती है। हाँ जी, किधर बैठी है मेरी फैमिली? हाय मिरहा, विज भाई यू एंड डैडी, डैडी सीटिंग से जो है ना वो अपनी सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ जी, ये है इनका मेन्यू और डॉटेड पकौड़ास, समोसे, स्प्रिंग रोल, चिकन टेम्पोरा, वेजिटेबल चाउमिन। अच्छा, ये आ गई पिज्ज़ा स्लाइस और ये है जी बारबेक्यू विंग्स। लोगों ने आना शुरू कर दिया। ये ड्रिंक्स हैं, हियर कम्स द चाट, सैलड एंड सैंडविचेस। अच्छा, ये दोनों साइड पे जो है वो सेम स्टेशंस लगे हुए हैं, बिकॉज अभी तो सिर्फ इफ्तार का लगा है ना, सो इट्स नॉट डिनर। अब सुहेल और मिनहाल आते हैं फिर मैं जाऊँगी। हाँ जी, बहुत अच्छा सा स्टेशन लगा हुआ है, अजान हो गई है। क्विकली मैं आप लोगों को दिखाऊँ कौन कौन क्या क्या खा रहा है। बिस्मिल्लाह। मिनहाल, सुहेल, मैं तो अभी इनके मेन्यू का वीडियो बनाने जा रही थी, आप तो पहले। आप क्या वीडियो बनाओगे? खत्म ही होने वाला है। नहीं, लोग ही ऐसे टूट रहे। गाइस, दिस इज द होल मेन्यू, रिकॉर्ड करने को मिल ही नहीं रहा। ये देखें, खाली हो रहा है जल्दी जल्दी। दिस इज बीफ पुलाव, डिजर्ट्स, जलेबी, चिकन विंग। नहीं लेते लोग इफ्तार के बाद ना, टू मच हंग्री होते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेशन इंडी गाइस। गाइस, ये बेबी इस टाइम पे चश्मे लगा के खाना खा रही। और आपकी प्लेट वैसे मैं पहले दिखा चुकी हूँ, नजर लगेगी। और नम नम, ये आया मेरा फूड, यम्मी। और ये इसका बैठना चेक करें ब्रो, इतने चिल क्यों हो रहे हो सारे? तो यहाँ पे ना सारों को भी सर्दी लग रही है। नीचे तो वेदर काफी चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो सारों को सर्दी लग रही है। मेरा ने तो जैकेट पहन भी लिया है। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो बस इसी में बैठे हैं। खाना चबा रहे। So guys, we're done with iftar और माशाल्लाह it was a wonderful, wonderful day. सुहेल हैं और अच्छी सी माशाल्लाह नमाज पढ़ी, इबादत की। बीच में कुछ छोटे मोटे एक दो काम और किए, मैंने मेंशन किए थे, एंड देन हम लोगों ने अच्छा सा इफ्तार डिनर किया एंड आई लाइक इट वॉज रियली अ वंडरफुल डे। यस सुहेल, बहुत मजे की इफ्तार की और पूरा दिन आज माशाल्लाह बहुत मजे का गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह। आर यू हैप्पी डूड? हैप्पी। आर यू हैप्पी? द होल फैमिली इज हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह।